दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य के एक राजा अकबर के वंशजों के बारे में कुछ रोचक तथ्य और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलती रहे। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नसीरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खान से संबंधित रखते थे, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से संबंधित थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खान से भी था। इतिहासकारों की माने तो अकबर के शासन के अंत तक मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित हो गए थे। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि बादशाहों में अकबर ही एकमात्र ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला था। माना जाता है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर अपने समय में दुनिया की एक चौथाई दौलत का मालिक था। मुगल इतिहास में अकबर ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने विजय अभियान के दम पर हिंदुस्तान के बड़े भूभाग पर शासन किया था। उसने कई राजपूत शासकों को अपने अधीन भी कर लिया था, लेकिन मेवाड़ के महान महाराजा महाराणा प्रताप उसके सामने कभी भी नहीं झुके थे। विश्व की एक चर्चित टाइम पत्रिका के अनुसार अकबर के शासनकाल में हिंदुस्तान का सकल घरेलू उत्पाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साम्राज्य से बिल्कुल भी कम नहीं था। आर्थिक इतिहासकार एंगसन मेडिसन के मुताबिक मुगलकालीन भारत का प्रति व्यक्ति उत्पादन यानी कि पर कैपिटा आउटपुट उस समय के इंग्लैंड और फ्रांस के बराबर ही हुआ करते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान उनके खजाने में 60 टन सोना और 1116 टन चांदी हुआ करती थी और लगभग 8 पाउंड हीरे और 100 पाउंड रूबी और पन्ना वे 600 पाउंड मोती भी उनके पास पाए गए थे। इसके अलावा असंख्य जवाहरातों का खजाना उनके पास हुआ करता था। एक थ्योरी यह भी कही जाती है कि मुगल शासकों ने अपने खजाने के लूटने के डर से कभी भी अपने खजानों को एक जगह पर इकट्ठा करके नहीं रखा था। माना जाता है कि अलग अलग अनुपात में साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शाही खजानों को किले में मजबूत और सुरक्षित दीवारों के पीछे रख दिया गया था। दोस्तों अब हम आपको मुगल वंश के कुछ ऐसे वंशजों के बारे में बताएंगे जो आज भी जीवित हैं और वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके बारे में आज कुछ ही लोग जानते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल वंश के वंशज प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी आज भी जीवित हैं और वे फिलहाल हैदराबाद में रहते हैं। इनका निकाह प्रिंसेस हुमैरा फातिमा के साथ 7 मई 1997 को हुआ था। इनके दो बेटे भी हैं। पहले के समय में ये ज्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन अपने अजमेर दौरे के दौरान ये सुर्खियों में आ गए थे। दोस्तों इस बारे में कुछ ही लोग जानते हैं कि प्रिंस याकूब को सरकार की तरफ से भी कई सारी शाही सुविधाएं प्राप्त हैं और यह भी माना जाता है कि प्रिंस याकूब का अपने वालिदों द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं पर काफी अधिकार भी है, परंतु वे चाहते हैं कि सरकार इन इमारतों का रखरखाव अच्छी तरीके से करे, इसलिए उन्होंने अपनी इमारतों की जिम्मेदारी पूरे तरीके से सरकार को दे रखी है और आज भी प्रिंस याकूब राजसी कपड़े पहनते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि याकूब के पास आज भी हैदराबाद में कई फार्म हाउस और बंगले भी हैं। याकूब हर साल अपनी प्रतिमाओं का जायजा लेने के लिए हर ईद के मौके पर दिखाई देते हैं और इन्हें कई बार ताजमहल के आसपास भी Z+ सिक्योरिटी के साथ देखा गया है। तो दोस्तों आप सोचिए एक समय पर जिस वंश का शासन पूरे भारतवर्ष पर था आज उनके वंशजों की क्या स्थिति हो गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।